हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज डे 7 है हमारे इस मिशन एसबीआई पीओ 2020 का, जो हमने लास्ट 10 डेज कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई थी। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक तो जो अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डीआई, ठीक है। और इन जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये पिछले साल यानी पीओ 2019 प्री में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा देखें एंड तक। और मैंने आपको बताया था कि देखिए इस सीरीज के अंदर हमने टोटल 10 वीडियोज जैसे डिस्कस करनी थी, तो 7 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और आने वाली 3 वीडियोज के लिए। और इसके अलावा भी आपको पता है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो उसकी भी अब नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है सीजीएल की, ठीक है। इसके अलावा भी जो अगले साल जो आईबीपीएस के पेपर्स होंगे, तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स का भी हम डेली बेसिस पर आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं। आपको पता है करंट अफेयर्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने आपको देखिए बताया ही था कि दो टॉपिक्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक है अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरा है डीआई। तो देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं कि 4 ईयर हैंस, यानी आज से 4 साल बाद ए और बी की एजिस का सम हमें कितना गिवन है, 16 ईयर्स मोर देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 पर्सन की एज की बात हो रही है, ए बी और सी, ठीक है। उनके बीच में फिर हमें कंपेरिजन गिवन है कि आज से 4 साल बाद जो ए और बी की एजिस का सम होगा वो 16 ईयर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो बी और सी की प्रेजेंट एज है। और आप देखेंगे जब भी इस तरीके के एज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमेशा प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में ही जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे आज से 4 साल बाद। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप पहले प्रेजेंट एज सभी की एज्यूम कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब गिवन तो है नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि 3 पर्सन यहाँ पे हमें गिवन है ए बी और सी, तो हमने उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें कहा गया कि आज से 4 साल बाद, तो ऑब्वियसली बात अगर आज ए की एज है एक्स और बी की एज है वाई, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, ए और बी की एज एक्स प्लस फोर और वाई प्लस फोर। तो आज से 4 साल बाद जो ए और बी की एजिस का सम है, यानी एक्स प्लस फोर प्लस में वाई प्लस फोर, वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। अब देखिए बी और सी की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई और जेड, 16 ईयर ज्यादा। तो वैसे बात इसे इक्वेट करने के लिए इस इक्वेशन को, देखिए इक्वेशन का मतलब, अब इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होंगी, तभी तो देखिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है और राइट साइड की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, और क्योंकि ए और बी की प्रेजेंट एज का 4 साल बाद इनकी एज का सम 16 साल ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, तो इसलिए हमने वाई प्लस जेड की तरफ 16 को ऐड किया है ताकि हम इक्वेट कर सके। तभी आप देखेंगे अब लेफ्ट साइड की जो आपकी वैल्यू और राइट साइड की वो इक्वल हो जाएगी, क्लियर है। तो हमने क्योंकि हमें ए और बी की एज इसका जो है 4 साल बाद का जो सम है वो गिवन है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ से देखिए आप देखेंगे वाई तो कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ प्लस वाई, ए इक्वल टू के जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 8। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, अब हमें जो कंपेरिजन गिवन है कि अभी पहले हमें गिवन था 4 ईयर हैंस, यानी आज से 4 साल बाद, अब हमें गिवन है 4 ईयर्स एगो, ठीक है, यानी आज से 4 साल पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो ए और सी की जो एज का सम है वो कितना है, 32 ईयर्स है, क्लियर है। और हमें कहा गया कि आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ सी। प्रेजेंट एज ऑफ सी हमने क्या एज्यूम कर रखा है, जेड, ठीक है। हमें जेड की वैल्यू निकाली, और हमें ये गिवन है कि 4 साल पहले जो ए और सी की एज का सम था वो कितना था, 32 ईयर्स, ठीक है। तो अगर हमें 4 साल पीछे जाना है, क्योंकि हमें देखिए ए की प्रेजेंट एज पता है एक्स है, तो आज से अगर हमें 4 साल पीछे जाना है तो एक्स माइनस फोर करना पड़ेगा। प्लस में अगर बात करें सी की प्रेजेंट एज हमने जेड मानी, और आज से 4 साल पहले अगर हम जाएं तो जेड माइनस फोर, और इसका सम कितना गिवन है, 32। तो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी दो वेरिएबल्स में, ये एक्स प्लस में जेड इक्वल टू के दूसरी तरफ हम इस माइनस फोर को लेके जाएंगे तो वहां पे प्लस में हो जाएगा ये, तो 32 प्लस में 4 प्लस में 4 हो जाएगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 40। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं दो वेरिएबल में। तो अगर आप देखिए इन दोनों को अगर सिंपली आप ऐड करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, तो आप देखेंगे प्लस जेड माइनस जेड तो कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 48। तो अगर 2x 48 आ गया तो x क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि 2x 48 है तो x 24 हो गया। तो अगर x 24 आ गया तो आप इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 24 पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ईयर्स आ जाएगी। और हमें यही निकालना था
कि प्रेजेंट एज सी की कितनी है, 16 ईयर। सो आज से 4 साल बाद कितनी होगी, 20 साल। या अगर हम आज से पीछे की तरफ 4 साल जाएं एगो, तो हो जाएगी 12 साल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो सबसे अच्छा तरीका कि हम इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लें, और फिर जो हमें आगे, या अगर हमें आगे की तरफ जाना है चाहे पीछे की तरफ जाना है, तो उसमें हम उतने साल ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका और कोई देखिए तरीका नहीं है, शॉर्टकट मेथड जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते हैं, तो सब ऐसे ही करें, बस फटाफट इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है इक्वेशंस, आप इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है, क्लियर है। तो इसको देख लेते हैं। रेशियो हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट 10:1। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो देखिए इसमें दो चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बोट में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपने देखा वो, खासकर जो रिवर वगैरह होती है, जैसे अगर आप कभी गंगा नदी में जा नहाए होंगे, तो उसमें देखा जो नदी का बहाव होता है वो अच्छी तेज होता है। तो अगर आप बोट में अगर ट्रेवल कर रहे हैं उस रिवर के अंदर, और अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, तो होता क्या है, जो आपके बोट की स्पीड है और जो उस रिवर की स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाती है, अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या होगा, जो आपके बोट की स्पीड है उसमें से उस रिवर की स्पीड को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें बहुत मुश्किल होगी उस टाइम पे बोट को चलाने में, क्यों, क्योंकि हमें हमारी स्पीड उस रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी देखिए हम आगे की तरफ जा पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। नहीं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत नेचुरल फिनोमिना है। और हम इसे क्या कहते हैं, अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि, अब देखिए स्टिल वाटर बेसिकली क्या होता है, जब बिल्कुल पानी अगर मतलब बिल्कुल भी खड़ा है, मतलब जो स्टेगनेंट वाटर हम जिसे कहते हैं, मतलब उसकी कोई स्पीड अगर नहीं है, तो उसके अंदर हमें बोट की स्पीड गिवन है स्टिल वाटर में, और रेशो गिवन है स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वही जो पानी है उसका, उसे हम करंट भी कहते हैं, उन दोनों का हमें रेशो गिवन है 10:1, ठीक है। तो स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड है, रेशो हमें गिवन है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ करंट 10:1। फिर हमें टाइम टेकन का रेशियो गिवन है बाय द बोट टू कवर डी किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन में अगर दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी -45 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम के डायरेक्शन में डी किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, जबकि अपस्ट्रीम के केस में D-45, और हमें रेशियो गिवन है 3:2, और आपको निकालना है डी की वैल्यू। देखिए ऑब्वियसली बात है, जब आपको रेशियो गिवन है टाइम टेकन का, तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें देखिए डिस्टेंस भी गिवन है, डाउन स्ट्रीम के केस में है डी, और अपस्ट्रीम के केस में D-45, और स्पीड ऑब्वियसली बात है, स्पीड क्या होगा, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर की भी गिवन है, और रेशियो ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट भी गिवन है रेशियो के टर्म्स में। तो बस इसे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले क्योंकि देखिए रेशियो के टर्म्स में हमें बोट की स्पीड और करंट की गिवन है, तो हम इसे रेशियो का साइन जब भी हटाते हैं तो आपको एक वेरिएबल लिखना पड़ता है, आपको पता ही होगा। सो लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट बी 10x किलोमीटर पर आवर एंड x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 है और 1 का तो हम 1 को हटा ही सकते हैं, 1 आप लिख भी लेंगे, x के आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक हो गया हमारे पास 10x, और दूसरे की स्पीड हो गई करंट की x। अब देखिए हमें रेशियो किसका गिवन था, डाउन स्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम के केस में जो है हमारा डिस्टेंस कितना है, डी। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है डी, और टाइम टेकन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है और जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, तो हम क्या करेंगे, इस 10x को और x को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो ये हो गया 11x अपॉन में, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है डाउन स्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम के केस में अगेन टाइम टेकन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है D-45, और स्पीड कितनी है, स्पीड अब देखिए स्पीड कितनी होगी, 10x में से आप x को माइनस करें, क्यों, अभी अपस्ट्रीम का केस आ गया है, अपस्ट्रीम में 9x हो गया है, और ये रेशियो में गिवन था 3:2, ठीक है। बस आप देखेंगे, देखिए x से x तो कट जाएगा, तो बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 99 किलोमीटर। मैं चाहता हूँ आप इसे खुद से सॉल्व कर लेकिन मैंने आपको बता दिया एक्स कट जाएगा, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम उस पर्सन ने डिस्टेंस कवर किया है 99 किलोमीटर। अगर आपको अपस्ट्रीम निकालना है तो इस 99 में से 45 को माइनस कर दें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 24%। अगर वाटर 24% है तो ऑब्वियसली बात है बाकी बचा हुआ क्या है, दूध है, यानी 76% दूध है और 24% पानी है। तो क्योंकि अगेन यहाँ पे देखिए मैं, हमें गिवन तो है नहीं उस कंटेनर में
पानी कितना है और दूध कितना है एक्चुअल में। तो हम इसे भी लेट कर सकते हैं, लेट से ही हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, एज्यूम करके कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर भी 100x लीटर्स। अगर 100x लीटर्स उस मिक्सचर की क्वांटिटी है तो उसमें दूध कितना होगा, मैंने आपको बताया अगर वाटर 24% है तो दूध कितना होगा 76%, यानी 76x लीटर्स हो गया पानी मिल्क, और वाटर हो गया 24x लीटर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए ये नहीं पता कि उस कंटेनर में कितना दूध और पानी है एक्चुअल में, बस हमें परसेंटेज के टर्म्स में बताया हुआ है कि जितना भी उसके अंदर ओवरऑल मिक्सचर है उसमें 24% पानी है और बाकी बचा हुआ 76% दूध है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही सोल्व कर सकते थे कि हमने ओवरऑल मिक्सचर की क्वांटिटी को 100x लीटर्स एज्यूम कर लिया, क्योंकि 24% पानी है, तो अगर 24x लीटर पानी है तो बाकी बचा हुआ 76x लीटर्स दूध हो गया। ठीक है, फिर मैं कहा गया कि 50% हम इस मिक्सचर का बाहर निकाल रहे हैं, ऑफ विच इन विच वाटर इज 78 लीटर्स लेस देन द मिल्क। तो जब हमने इस मिक्सचर में से 50% को बाहर निकाला, 50% का मतलब क्या है, अपने 50, अब टोटल अगर मिक्सचर है हमारा 100x लीटर्स, तो ओबियसली 50% निकालने का मतलब हमने 50x लीटर्स मिक्सचर का बाहर निकाल लिया। अब उस 50x में से ओबियसली बात है मिल्क और पानी भी तो उसी रेशियो में बाहर निकलेगा ना, क्योंकि देखिए हमने ओवरऑल जो है, क्या पता है जब आप दूध में पानी मिलाते हैं तो अच्छी तरीके से घुल जाता है, फिर आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जब तक आप उसे अच्छी तरीके से उस मिक्सचर को उबालते नहीं है, जब तक आप उस पानी को इवेपोरेट नहीं करते तब तक आप उस मिल्क और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब आपने उस मिक्सचर को पानी और दूध के मिक्सचर में से 50% बाहर निकाला तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क भी 50% बाहर आएगा और वाटर भी 50% बाहर आएगा। तो 76x लीटर्स जो हमारे पास दूध है उसका 50% कितना है, 38x लीटर्स। ठीक है, और पानी ओवरऑल 24x लीटर्स था, तो जब आपने इसका भी 50% निकाला तो 12x, तो आप इसे ऐड करोगे 38 + 12 हो गया 50, क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरऑल 100x लीटर्स का हमारा मिक्सचर था, उसमें से हमने 50% निकाला यानी 50x हमने बाहर निकाला, उसमें से 38x है दूध और 12x है पानी। तो बस अब हमें कहा गया कि जब हमने वो 50% मिक्सचर बाहर निकाला तो जो डिफरेंस था पानी और दूध के बीच का वो कितना था, 78 लीटर्स था। ठीक है ना, वाटर जो है वो 78 लीटर्स कम था एज कम्पेयर टू मिल्क। तो यहाँ पे देखिए जब हमने पानी और दूध निकाला तो दूध कितना है, 38x लीटर्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और पानी कितना है, 12x। अगर आप इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस कितना गिवन है, 78 लीटर्स, तो अगर आप 38 में से 12 को माइनस करते हैं तो 26x की वैल्यू किसके बराबर है, 78 के। इन्होंने बताया ना कि जो पानी है वो 78 लीटर्स कम है दूध के कंपेरिजन में, तो जो हमने 38x में से 12x को माइनस किया तो 26x 78 के बराबर है, यानी एक्स हो गया 3। तो जब मेरे पास देखिए एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो मैं इजी, अब देखिए मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मेरे से पूछा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क उस कंटेनर में कितना है, तो वैसी बात है देखिए ओवरऑल 76x लीटर्स उसमें मिल्क था, 38 बाहर निकल गया तो बचा भी कितना, 38x, और 38 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बचा हुआ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, 114 लीटर। ओवरऑल कितना दूध था स्टार्टिंग में अगर बात करें, तो आप इसे 76x है ना, 76 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आ जाता, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था, तो 24 3 72 लीटर था। ठीक है ना, तो चाहे आपको ओरिजिनल की वैल्यू निकालनी हो या जो हमने 50% मिक्सचर निकाला है उसकी निकालनी हो, अब आप निकाल सकते हैं, मेन चीज थी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पिछले साल आया हुआ एसबीआई पीओ प्री के कोर पेपर में। ठीक है, अब जो 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये बार ग्राफ पर बेस्ड है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। इसमें आपको जो देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय, फ्लोर मतलब आटा, बाय 5 स्टोर्स। 5 स्टोर्स हमें गिवन है, ए आप देख सकते हैं ए, ये बी, क्लियर है, ए बी सी डी ई, तो ये 5 दुकानें हैं, 5 स्टोर्स है जो क्या बेचती हैं, आटा फ्लोर, 2 तरीके के, एक मल्टीग्रेन, आप आपको ब्लू कलर से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जितनी भी है ये मल्टीग्रेन है। ठीक है, और जो दूसरा होल व्हीट होता है वो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है, ये आटा बेचते हैं 2 तरीके का, एक मल्टीग्रेन दूसरा होल व्हीट, और दुकानें कितनी है, 5। अब देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर लिया करें, अब यहाँ पे देखो 80 है और यहाँ पे क्या है 100, और यहाँ पे बीच में लाइंस कितनी आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस होगा इसके बीच में, 4 4 का, यानी अब मैं अगर इसे कहूँ तो ये देखिए इसका मतलब है 84, इसका मतलब है 88, इसका मतलब है 92, इसका मतलब है 96, और ऊपर हो गया 100, यानी 4 4 के बीच का इनके बीच में डिफरेंस है। तो ये आपको सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने ऑब्जर्व करनी है।
यानी 80 से जो 100 के बीच में जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें कितने कितने का गैप है, तो चार चार का, यानी 80 के बाद जो आपको ये पतली सी लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसमें हाईलाइट कर देता हूँ ये वाली, ये सिग्निफाई करे, जैसे ई के केस में मल्टीग्रेन कितना सोल्ड हो रहा है, 84 पैकेट सोल्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है कि जो हमें वैल्यूज गिवन है उनके बीच डिफरेंस कितना है और कितनी लाइंस है, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब क्वेश्चन सीधा चलते हैं कि रेशियो हमें बताना है नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी टुगेदर, ए और डी टुगेदर, टू द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय ऑफ होल व्हीट बाय ए एंड ई टुगेदर। तो सबसे पहले ए और डी का मल्टीग्रेन, तो ए येरा और डी येरा, इसका मल्टीग्रेन, तो मल्टीग्रेन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 80, 84, 88, 92, ये 92 पैकेट्स हो गए ना, ये 92 हो गए, क्योंकि मैंने पता है चार चार का डिफरेंस है, तो 84, 88, 92, और डी का कितना, ये हमारे पास हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया 44, ये अराउंड 52, 54, अच्छा ठीक है, ये उसके भी देखिए बिल्कुल बीच में है, मतलब इन्होंने दो लाइंस के जो बीच का बिल्कुल हाफ में ये पोर्शन ले रखा है। आप एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लाइंस मेरे को भी क्लियरली विजिबल नहीं हो रही, थोड़ा सा इसका फॉन्ट, आपको एग्जाम में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका लाइट हो गया। तो अब देखेंगे ये, देखिए ये जो लाइन है ये सिग्निफाई कर रही है 52, और उसके ऊपर वाली सिग्निफाई कर रही है ये 56, और बिल्कुल ये बीचों बीच ये लाइन बनी हुई है डी के केस में, तो हम क्या लेंगे, 54 लेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो एक हमारे पास आ गया था, ये तो एग्जैक्ट है, देखिए यहाँ पे 92 है और ये है 54, ठीक है, तो 92 प्लस में 54, और दूसरा ए और ई का होल बीट, तो ए का होल बीट कितना है, ये तो देखिए 44 है, ठीक है, और ये इसका कितना है 44, और ये हो गया 60, ये 72 हो गया, ये 72 है और वो है 44, ठीक है, 44 और 72 आप देख सकते हैं, बस आप इसका फिर रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 73:58, ठीक है ना, 2 से कट हो जाएंगे जब आप इसे ऐड करोगे ना, तो 2 पे चला जाएगा, तो रेशियो हमारे पास आ गया 73:58 का, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, मैं आपको बता रहा था कि आपको ये देखना कि डिफरेंस कितने कितने का, और जो वो लाइंस है वो मतलब एक्चुअल वैल्यूज की कितनी है, वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। फिर मैं ऐसे कहा गया कि मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इज 1% मोर और लेस देन होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी टुगेदर, तो मल्टीग्रेन पैकेट ए और बी टुगेदर का हमें कंपेयर करना है कितने परसेंट ज़्यादा या कम है एज कम्पेयर टू होल व्हीट बाय सी एंड डी। तो मल्टीग्रेन की अगर बात करें तो मल्टीग्रेन ए देखो यहाँ पे हमने पहले ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी, मल्टीग्रेन ए कितना सेल कर रहा है 92, ठीक है, और ये कितना सेल कर रहा है 64, ठीक है, तो 92 प्लस 64, ठीक है, 92 प्लस 64, और अगर दूसरे का हम देखें सी और डी का होल वीट, तो सी का होल वीट कितना है, ये 80 हो गया, ये तो एग्जैक्ट है 80, और डी का है 40, तो 80 प्लस 40 हो गया 120, तो अब इसे माइनस करोगे 80 प्लस 40 120 है, ठीक है, तो और इसे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी और डी से कर रहे हैं, यानी नीचे 80 प्लस 40 यानी 120 आएगा, और क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ए और बी जो मल्टीग्रेन के पैकेट सोल्व कर रहे हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा है इस केस में, ठीक है, अगर कम होते तो आप कम निकालते, लेकिन कितने परसेंट यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी और डी जो है होल व्हीट जो सेल कर रहे हैं पैकेट। तो आप 92 प्लस 64 में से जब 80 प्लस 40 120 को माइनस करोगे, 120 से ही कंपेयर कर रहे हो सी और डी के होल व्हीट पैकेट से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका 30% वैल्यू आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट कर लेना एक बार ही, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो इस पे है वो देखिए एग्जैक्ट है, आपको बताना है कि डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ऑल द स्टोर टुगेदर एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ऑल द स्टोर टुगेदर, तो मल्टीग्रेन के सभी दुकानों की वैल्यू निकालनी है और होल व्हीट वाले की, और फिर उसे माइनस कर देना है, तो आपके पास 42 आ जाएगा, खैर यहाँ पे, ठीक है, यानी जो हमें सी ऑप्शन में गिवन है। तो देखो इसे सोल्व कैसे करना था, मैंने आपको बताया, सिंपली आपको मल्टीग्रेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई निकालना है, और फिर होल व्हीट निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और फिर डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले इन सबको ऐड किया और फिर इसमें से माइनस कर दिया जो होल व्हीट के पैकेट्स है उनकी वैल्यू को, ठीक है, तो बस इसका आप डिफरेंस आपके पास जो भी आएगा आप आंसर लिख लेंगे। तो ऐसे देखिए पांच क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, आपको किसी भी डीआई के अंदर, आप कोई भी डीआई अगर प्री लेवल की सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन ईजी मिल जाएंगे, ठीक है ना, 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन ईजी मिल जाएंगे, जैसे ये थे, तो आप इन्हें जरूर सॉल्व करें, ठीक
ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इजी था, कोई ऐसा मुश्किल तो था नहीं। तो अगर आप चार एक क्वेश्चन, आपको दो डीआई तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, दो से तीन, पर दो ही आपको देखने को ज्यादा केसेस में मिलते हैं। तो उसमें अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, तो वो अपने आप में काफी अच्छी चीज है। फिर बचा हुआ टाइम आप जितने भी, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक के हो गए, नंबर सीरीज के हो गए, आप उनको टाइम दें, और जो आखिरी में बचेगा टाइम उसके लिए आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो मैंने भी आपके साथ स्टार्टिंग में करे भी। वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन उसे आपको एंड में आपके पास जो भी टाइम बचेगा फिर ही आप उनको स्टार्ट करना सॉल्व करने के लिए। पहले बाकी के जितने भी हैं, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है ना, या बाकी का ये जो डीआई हो गए, इनको आप पहले हमेशा फोकस करें अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, takshilalearning.com, क्योंकि अब एसएससी की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो अगर आप एसएससी को भी फोकस कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, इसके अलावा अगर अगले साल का आपका आईबीपीएस का भी टारगेट है, एसबीआई क्लर्क का है, तो आप जरूर हमारे साथ वेबसाइट takshilalearning.com से जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, 6 मंथ्स 12 मंथ, जो भी आपकी मर्जी है, जिसमें आपको अभी काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, न्यू ईयर ऑफर, तो वो मिल जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज, ई बुक सब आपको उसमें प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो जरूर विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।